सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाढ़ नहीं। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। आज का पंचांग 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:38 से 9:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार, आशा पूजा से भरपूर हैं और काफी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। घर पर भी आज अब सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे, इससे आपके करीबियों को खुशी होगी। आपको बस यह देखना है कि यही स्थिति लगातार बनी रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खिन्न महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति के बारे में जानें। अधिक जोखिम लेने या मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचें। बदलाव जरूरी है इसीलिए इसके लिए तैयार रहें। आज आपको दूसरों के साथ भावनात्मक संपर्क की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से संबंध बनाना आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आज दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा, हालांकि आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को काफी अनुकूल बना लेंगे। नई योजनाएं शुरू करने के लिए आज अनुकूल दिन है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित भी कुछ लाभकारी योजनाएं बनेगी और वह तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएगी। अपने जीत की वजह से तकलीफ हो सकती है, परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन नकारात्मकता को जिससे बचाना होगा वरना गलती हो सकती है। लोगों की आलोचना का जवाब सोच समझ कर दी। अपने अहंकार की वजह से नुकसान हो सकता है, आगे चलकर ये गलती दोहराई ना जाए इस बात का ध्यान रखें। करियर संबंधित निर्णय लेते समय नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। आपकी वजह से पार्टनर का नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखें। थकान की वजह से निराशा भी हो सकती है। आपकी सही सोच फैसले लेने में मदद करेगी। अच्छे लोगों के संपर्क में आने से नई बातें सीख पाएंगी। चिंता दूर हो सकती है। इस दिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। किसी व्यक्ति विशेष के आलोचना से निराशा हो सकती है। आज कारोबार में सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भाग दौड़ अधिक रहेगी। काम में सफलता से थकान दूर हो सकती है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें। इस समय आपकी ग्रह स्थिति सकारात्मक है, इसका अधिकतर लाभ उठाएं। वाहन या किसी उपकरण का प्रयोग आज सावधानी से करें। आज कोई चोट लग सकती है, लापरवाही के कारण पढ़ाई में परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आप उसे ठीक से निभा पाएंगे। काम ज्यादा है फिर भी कुछ समय परिवार के साथ बिताना होगा। सावधानियां, विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने करियर संबंधित कोई भी परेशानी आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन अवश्य लें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए व्यवस्था पूर्ण दिन व्यतीत होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा जिससे शांति बनी रहेगी। लव अफेयर्स के मामलों में लकी रहेंगी। आज के दिन आपके लिए बहुत खास है। आप अपने पुराने प्रेमी को वापस अपना लेंगी।
यह सही है कि अलग होते हुए आपके बीच कुछ मतभेद जरूर थे। वापस एक साथ आने के बारे में अभी आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कोई बड़ा फैसला लेने के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको इस बारे में सोचने के लिए काफी समय भी मिल जाएगा। यह दिन आपके लिए शानदार दिनों में से भी एक है। पिता या किसी खास की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लव के हिसाब से आज आपके सब सपने पूरे होंगे। लंबी चाट हाथों में हाथ लेकर घूमना या एक ड्राइव आपको किसी कल्पना लोक में ले जाएगी। लोगों की बातों को सुनना और उनकी मदद करना जैसे गुण आपके लिए निजी और कार्यस्थल दोनों में फायदेमंद है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का उत्साह भी आप में भरपूर है। आपके साथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन है। अगर प्यार नया है तो इसे पूरा वक्त दें, क्योंकि यह प्यार जीवन भर का है। बात करते हैं करियर की। अपनी इच्छा और मानसिक शक्ति से आप किसी भी मुश्किल कार्य को आसानी व किसी अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति से आप किसी भी मुश्किल कार्य को आसान व किसी भी बुराई का सामना कर लेंगे। किसी प्रिय की बीमारी या नुकसान की स्थितियों से आप असहाय महसूस कर सकते हैं। आज आप अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। भविष्य की कुछ बेहतरीन योजनाएं आपका इंतजार कर रही है। दुनिया बेहद खूबसूरत है, इसीलिए बाहर निकलकर इसका पूरा मजा लें। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपनी मित्रों और सहकर्मियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। कारोबार में कुछ न कुछ समस्या रहेगी, लेकिन साथ ही सरकारी काम से संबंधित व्यवसाय में फायदा हो सकता है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर त्वरित निर्णय लेंगे और सफल भी होंगे। किसी के समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा आपके मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है। संपत्ति संबंधित विवाद किसी के हस्तक्षेप से सुलझ सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मदद से परेशानियां दूर होगी। आलस और क्रोध से बचें, ये ऊर्जावान होने का समय है। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सोच समझ कर खर्च करें। बात करते हैं सेहत की। खान पान व्यवस्थित नहीं रखेंगी तो तबीयत खराब हो सकती है। तनाव और चिंता का भी दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर पंचमृत चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।